तो आज मैं जब दोपहर में काम कर रहा तो एक लड़की का मैसेज आया, सरोज नाम से, कि एमए का उसे कुछ पूछना था, एमए का डिस्कशन के बारे में पूछ रही थी वो कुछ। तो मेरे दिमाग में जब ही एक आइडिया आया, देखो मैंने ग्रुप कुछ बनाया है, देखो ग्रुप टाइप तो नहीं है वो, लेकिन ऐसा है, देखो इसमें एम कॉम लिख रहा है, एम कॉम के नीचे ये यहाँ पर कमेंट आप कर सकते हो, इस पर क्लिक करके एम कॉम पोस्ट के नीचे। इसके साथ ही और भी देखो, मैं दिखा रहा हूँ, एम कॉम हो गया आपका, ये एम कॉम है, ये एम ए है, ये बी एस सी है, ये बी कॉम है, ये बी ए है, ठीक है। तो बी ए के जो भी मतलब पोस्ट है, जो फोटो मैंने डाल रखा है, जो पोस्ट वगैरह डालते हैं, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो। मान लो बी ए क्लास के हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं बी ए क्लास का हूँ। और देखो इस लड़के ने पूछा है, बी ए क्लास के अंदर पूछा है इसने कि सर बी ए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का 009 का एग्ज़ाम सीट में नहीं मिला मुझे, ठीक है आप चेक कर लो प्लीज़। तो ऐसा है, अपने अपने कमेंट के नीचे, 27 अप्रैल का है, 27 अप्रैल का है, तो ऐसे है, तुम मतलब अपने हिसाब से अपने डिस्कशन करो, कर सकते हो यहाँ पे। मान लो मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ, क्योंकि यहाँ के मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, एम कॉम में एम कॉम वाले कमेंट कर सकते हो, एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हो, कैसी तैयारी चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। मैंने ऊपर लिखा भी है कि मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, देखो ग्रुप नहीं है ये यार, ये एक तरह से पोस्ट डाली है, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पर करके क्लिक, ठीक है। ये एम ए के नीचे है, देखो एम कॉम के नीचे जितने कमेंट होंगे ये सब के यहाँ पे हैं। ये मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सा सर कौन सा ग्रुप है, तो भाई जिसमें तुम कर रहे हो टाइप, एम ए के नीचे एम ए का ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं कहने के इसे, लेकिन आपके लिए मैंने बनाया है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने कुछ ग्रुप बनाए हैं, आप सब जो जिस ग्रुप से रिलेट करता है उसमें कमेंट कर सकता है, मुझे लगता है इस ग्रुप से सबकी हेल्प होगी। अगर ये आइडिया फालतू का हुआ तो मैं इन ग्रुप को कल सुबह या फिर आज रात को ही डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगा ये ठीक ठाक है तो इसलिए बना दिया, बाकी कमेंट में मुझे बताओ।